अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड ये बेल बटन को जरूर दबाइए टू कीप अपडेटेड माय लेटेस्ट वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे और अभी अभी हम लोग स्विट्जरलैंड से वापस आए हैं और टाइम हो गया है 11:30। तो सौरभ भी जल्दी जल्दी निकल गया है, उसको अभी मैगी करके दिया है, वो मैगी खा के निकल गया है। और मेरा घर देखिए अभी पूरा मेस है, तो इसको मुझे आज पूरा क्लियर करना है। तो मैंने वॉशिंग मशीन में चला दिया है, जो जो कपड़ा क्लीन करने के लिए अर्जेंट था वो मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। अभी मैं घर को पूरा क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो जो जो चीज़ हम लोग एक ही बार पहने हैं वो मैं वॉश नहीं करूँगी, मैं रख दूँगी, क्योंकि एक बार पहनने के बाद ये वॉश करना ठीक नहीं है। तो वो ऐसे नॉर्मल वॉश नहीं होगा, इसको लॉन्ड्री से ही वॉश करना पड़ता है। तो ये सब अभी मैं नहीं करूँगी, तो इसको मैं एज इट इज़ ऐसे रख दूँगी। उसके बाद मैं जो जो चीज़ वॉश के लिए जाना चाहिए वो मैं वॉश के लिए डाल दूँगी। और ये सारा शर्ट जो है सौरभ ने एक ही बार पहना है, तो मैं ये भी अभी वॉश नहीं करूँगी, ये मैं रख दूँगी, एक दो बार पहनने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। और अभी मैं मेरा स्लिंग बैग को भी क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इधर रह गया है। और ये देखिए, ये स्लीटहॉर्न का टिकट, ये सब टिकट्स मैं कलेक्ट करती हूँ, बट अभी नहीं होगा तो अभी मैं इधर ही रख दूँगी, बाद में इसको मैं कलेक्ट करके जिधर रखती हूँ उधर रखूँगी।
और ये है मैं स्विट्ज़रलैंड से क्या क्या लाई हूँ। मैं छोटा मोटा जो सोपीज़ होता है वो सारा चीज़ मैं कलेक्ट करती हूँ, ये मेरा हॉबी है। तो मैं स्विट्ज़रलैंड से क्या क्या लाई हूँ वो मैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं वॉशिंग मशीन में जो दिया था कपड़ा वो क्लीन होके आ गया है, ये मैं अभी दे रही हूँ सुखाने के लिए। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। मैं आज मैं बनाऊँगी दाल और सब्जी, आज ज़्यादा कुछ बनाने का मूड नहीं है। तो दाल को मैंने ऐसे बॉईल करके रख दिया है, अभी इसको प्रिपेयर करती हूँ। मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए डाल दिया है और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलंजी। और मैंने टमाटो को भी स्लाइस करके रख दिया, मैंने दो बड़ा वाला टमाटो लिए हैं। और अभी मैं इस पर डालूँगी दो हरा मिर्च और मैंने टमाटो को भी इधर डाल दिया है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट थोड़ा सा, ताकि टमाटो अच्छे से गल जाए। और मेरा टमाटो अच्छे से गल गया है, अभी मैं दाल ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको इधर डाला है। और अभी मैं इस पर डालूँगी हल्का सा हल्दी और थोड़ा सा शुगर। और ये हो गया मेरा दाल रेडी। तो देखिए आज मेरे पास वो कोरिएंडर लीव्स नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जनरल में मेरे पास होता है तो मैं डालती हूँ, क्योंकि उसका अच्छा खुशबू आता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये पूरा हो जाने के बाद मैं अभी इस पर ऐड करूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करना, इसका जो दाल का खुशबू होता है वो बहुत अच्छा आता है और ये गरम राइस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बनाऊंगी परवल एंड पोटैटो का सब्जी और इसमें मैं ऑनियन भी ऐड करूंगी। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो जाने के बाद इस पे मैं परवल ऐड कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले। परवल अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको निकल रही हूँ और उसी ऑयल में मैं ऑनियन और पोटैटो को फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं टोमेटो सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्दी एंड रेड चिली पाउडर के साथ इसको मिक्स करके हल्का सा पानी देके इसको बॉईल के लिए रख दूंगी। तो हो जाएगा मेरा ये सब्जी रेडी। सब्जी में पानी दे के मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर रही हूँ अभी। तो ये हो जाने के बाद ऑलमोस्ट मेरा जो किचन का काम है वो हो जाएगा। और ये देखिए मेरा सब्जी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी मैं घर पे बनाया हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको मैं निकाल लूँगी तो हो जाएगा मेरा सब्जी रेडी। और मैंने राइस को भी बनाने के लिए रख दिया है। तो ये हो जाने के बाद मेरा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा।
और ये रहा मेरा सब्जी, ये देखने में तो अच्छा हुआ है लेकिन खाने के बाद मैं बताऊंगी कि कैसा बना है। और मेरा शावर लेना हो गया है, अभी मैं फेस को थोड़ा सा टोनर से क्लीन करूंगी। मेरा स्किन बिल्कुल ड्राई हो गया है तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हल्के से टोनिंग करूंगी, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। एंड नाउ इट्स माई लंच टाइम। अभी मेरा सारा काम हो गया है और ये दाल और सब्जी मैंने रात के लिए भी रख दिया है, तो रात के लिए कुछ बनाना नहीं है, तो अभी मैं रिलैक्स होके खाना खाऊंगी। और अभी मैं लंच के बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला कर्ड खा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है खाने में और इसमें कैल्शियम भर भर के होता है तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए ये खाना। और मेरा ज़्यादा कुछ काम बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और रात को डिनर भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन। तो ये वीडियो को भी मुझे अभी एडिट करना है और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, मुझे अभी रेस्ट करना भी है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।